दर्दनाक मृत्यु ने पूरी मानवीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कैसी मानसिकता के कारण लोग इतने जघन्य काम कर डालते हैं। ऐसा माना जाता है कि पशु पर जब कोई संकट आता है तो वह हिंसा को उठता है और बड़े से बड़ा नुकसान करने से भी नहीं चूकता। वहीं इस हथनी ने बुरी तरह घायल होने पर भी ऐसी इंसानियत का परिचय दिया जिसने पूरी मानवीयता को न केवल झकझोर दिया अपितु उस हथनी के प्रति नतमस्तक भी कर दिया। बुरी तरह घायल हथनी ने लोगों को नुकसान पहुंचाने के बजाय 3 दिन पानी में खड़े रहकर विलाप किया। वह अकेली नहीं थी, उसके गर्भ में शिशु पल रहा था और शायद यही कारण था कि अपने बच्चे को बचाने की आस लिए वह पानी में चली गई। एक माँ को अपने से ज्यादा फिक्र अपने बच्चे की होती है और उसने वहीं पानी में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। मुंह में विस्फोट से हुए हथनी के दर्द की कल्पना करते ही रोम रोम सिहर उठता है। आज मैं क्लासरूम वाला में आपसे हथनी के बारे में बात करूंगी। हाथियों पर बहुत सारी कहावतें भी हैं। एक यह कहावत बड़ी मशहूर है कि कुत्ते भौंकते रहते हैं लेकिन हाथी अपनी मस्त चाल से चलता रहता है। इस कहावत का अर्थ होता है कि जो समझदार व्यक्ति होता है वो बेकार की बातों पर रिएक्ट नहीं करता। जीव वैज्ञानिकों का मानना है कि हाथी पूरे प्राणियों में सबसे समझदार प्राणी है और वह बेहद चतुर होता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि हाथी वर्षों तक रिश्तों, अनुभवों और बातों को नहीं भूलते। उनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। अगर यहाँ पर लॉरेंस एंथोनी की बात ना की जाए तो हाथियों की बात कभी पूरी ही नहीं हो सकती। लॉरेंस एक विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद और अंतरराष्ट्रीय संरक्षणवादी थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन पशुओं के संरक्षण पर ही लगा दिया। हाथियों से उन्हें विशेष प्रेम था और हाथी भी उनके प्रेम समझते थे। ऐसा माना जाता है कि 61 वर्ष की आयु में जब लॉरेंस की मृत्यु हुई तो उस समय जिन हाथियों को उन्होंने पाला था, जिन हाथियों को उनसे प्रेम था, वे उनसे मीलों दूर थे। लेकिन बिना किसी सूत्र के लॉरेंस एंथोनी की मृत्यु होते ही ना जाने हाथियों को कैसे इस बात की भनक लग गई कि उनके पालक अब नहीं रहे और वे मीलों दूर चलते हुए उनके निवास पर पहुंचे और 2 दिन रहकर उन्होंने उनके निवास पर अपने आत्मीय के प्रति शोक और संवेदना प्रकट की। है ना हैरत भरी बात। जीव वैज्ञानिक भी इस बात को जानकर दंग रह गए थे। इन बातों से यह पता चलता है कि हाथियों के अंदर भी एक सिक्स्थ सेंस होती है जो उन्हें अपने प्रिय जन से बिछुड़ने की सूचना दे देती है। हाथियों के बारे में विशेषज्ञता रखने वाली सिंथिया मॉस ने अफ्रीकी हाथियों के परिवार पर अध्ययन किया। उस परिवार के 2 सदस्यों पर शिकारियों ने गोली चलाई। 1 सदस्य की तो उसी समय मृत्यु हो गई लेकिन जो दूसरा सदस्य था वह बुरी तरह जख्मी हो गया। उसके परिवार को जब यह सूचना मिली तो परिवार ने तुरंत उस सदस्य को घेर लिया। घायल हुई सदस्य का नाम टीना था। परिवार के सदस्यों ने उसे संभालने की कोशिश की और उसे खड़ा होने के लिए परिवार के अन्य सदस्यों ने किसी ने उसे घास खिलाने की कोशिश की तो किसी ने उसे खड़ा करने की कोशिश की। उसी परिवार के 1 सदस्य ने अपने दांतों का सहारा देकर जब भारी भरकम टीना को उठाने की कोशिश की तो उसके दांत बुरी तरह से टूट गए और होंठ भी टूट गए। मगर वे अपने परिवार के सदस्य को बचाने की पूरी कोशिश करते रहे। आखिर जब उन्हें यह पता चला कि टीना अब उनके बीच नहीं रही है तब भी वे उसे वहीं अकेला छोड़कर नहीं गए। उन्होंने वहां पर गड्ढा खोदा और उसे दफनाना शुरू किया। पूरी रात वे वहीं पर खड़े रहे और सुबह होने पर गए और इसके कई दिनों तक टीना की माँ बेहद ही गमगीन रही। इन बातों से पता चलता है कि जो हाथी होते हैं उनमें अपने परिवार के प्रति बेहद प्रेम होता है। हाथियों की उम्र 70 से 75 वर्ष के बीच में होती है। हाथी बेहद भारी भरकम होता है और कई हाथियों का वजन तो 10,000 किलोग्राम तक भी होता है। हाथियों की उम्र 70 से 75 साल के बीच में होती है और अपने झुंड की लीडर सबसे बड़ी उम्र की हथनी होती है। यह भी एक दिलचस्प बात है कि जहां भारत में अभी भी नारी को 2वें दर्जे का माना जाता है वहां पर जो हथनी होती है वह अपने ग्रुप की मुख्य संचालक होती है और उसके ज्ञान और बातों के आधार पर ही ग्रुप के अन्य सदस्य उसकी सारी बात मानते हैं। और हाथियों में मादा हाथी और बच्चे ही मुख्य काम करते हैं। नर हाथी इसमें इतने ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। हाथी भारतीय संस्कृति में बेहद पूजनीय है। गणेश का मुख हाथी के आकार का ही है। गणेश के हाथी जैसे मुख से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनकी छोटी छोटी आंखें हमें यह बताती हैं कि हर बात को बड़ी ही बारीकी से देखना चाहिए और उनके बड़े बड़े कान इस बात का प्रतीक है कि हर व्यक्ति को सुनना अधिक चाहिए। हाथी अपने भारी भरकम शरीर का उपयोग बड़ी ही बुद्धिमता के साथ करते हैं। वे अपनी सूंड से भुजाओं का काम लेते हैं और जरूरत पड़ने पर पानी निकालने के लिए वे गड्ढा तक खोद देते हैं। इतना ही नहीं, हाथी बड़े परोपकारी होते हैं और जब भी
किसी भी प्राणी पर संकट आता है तो वे पूरी शिद्दत के साथ उस प्राणी की रक्षा करते हैं। वे मनुष्य की भी संकट के समय रक्षा करते हैं। हाथियों की तरह तरह की आवाजों, पेड़ों पर घर्षण करने और चिंगारने के भी अनेक संदेश होते हैं। जीव वैज्ञानिकों ने इस तरह के 70 संदेश दर्ज किए हैं। हाथी अपने संदेश को 100 वर्ग किलोमीटर तक के दायरे में अपने साथियों तक भेजने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। जैव विविधता के लिए हाथियों का बचे रहना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण और हमारी वनस्पति के लिए बहुत ही जरूरी है। इनके गोबर में कुछ ऐसे आवश्यक तत्व होते हैं जो हमारी वनस्पति के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। हाथी जंगल में नए नए रास्ते भी बनाते हैं, उसी के माध्यम से फिर अन्य जानवर उन रास्तों का प्रयोग भी करते हैं। हाथी को शौर्य, पराक्रम और साहस का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए लोग घरों में भी हाथी की मूर्ति को रखते हैं। और हाथी को देखना अत्यंत शुभ माना जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति में हाथियों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लॉरेंस एंथोनी की फेमस बुक द एलिफेंट विस्पर और जेफरी मैसन की फेमस बुक वेन एलिफेंट्स वीप पढ़ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का यह चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपसे किसी नए और रोचक विषय के साथ। थैंक यू।